नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिसिंग फ्लेवर में। और आज मैं आप लोगों के साथ बच्चों के लिए हेल्थी स्नैक्स की रेसिपी लेकर आ रही हूँ, क्योंकि जब भी बच्चे स्कूल से आते हैं उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही रट होती है कि मम्मा कुछ टेस्टी खाना है, मम्मा कुछ अच्छा खाना है। लेकिन वो टेस्टी चीज़ क्या है उन बच्चों को भी नहीं पता होता है। और अगर मैं बात करूँ हम मम्मी लोगों की, तो इस भयंकर गर्मी में सुबह से काम करते करते हम लोग इतना थक जाते हैं कि उनके आने तक हमारा पत्ता भी हिलाने का दिल नहीं करता है। तो ऐसे में मैं आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसमें टाइम बहुत कम लगेगा, जो टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ करें, जैसे कि मैं खजूर और हनी यूज़ कर रही हूँ, वो नेचुरल हो और ऐसा ना हो कि आप शीरे से भरे हुए खजूर और हनी यूज़ कर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। शुगर फ्री चॉकलेट बार के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपके साथ स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे मैंने रोल ओट्स लिए हैं और इनको मैं एकदम धीमी आंच पर रोस्ट करूँगी बिना ऑयल के। और आप चाहें तो रोल ओट्स की जगह इंस्टेंट ओट्स भी ले सकते हैं। और ये अब एकदम धीमी आँच पर हल्का ब्राउन हो गया है और इसमें से मैं आधा जो ओट्स हैं उनको मैं पीस लूंगी, क्योंकि ये बाइंडिंग में हेल्प करेगा, और आधे को मैं एज इट इज रहने दूंगी। तो ये इसको मैंने कुछ ऐसा पीसा है, थोड़ा सा दरदरा पीसा है, क्योंकि एकदम बारीक करने से ये बारीक आटे जैसा हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा बार्स में। साथ के साथ ही मैंने एक बेकिंग टिन लेकर के उसमें थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल लगा करके ये बटर पेपर लगा दिया है, क्योंकि जितने भी मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं उन सबको मैं मिला करके 2 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखूंगी। तो ये बटर पेपर होने से उसको निकालने में इजी रहेगा। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस इसको अच्छे से वेजिटेबल ऑयल या बटर से ग्रीस करें, ताकि जब आप इसको ऐसे पलटे ऐसे ऐसे करें तो वो जितना भी आपके बार जो आपके सेट हुए हैं वो इजीली निकल करके बाहर आ जाए। दूसरी तरफ मैंने पैन में खजूर ले लिए हैं और उसमें थोड़ा सा पानी डाला है, क्योंकि मैं इसको सॉफ्ट करने के लिए पेस्ट बनाने के लिए इसको थोड़ी देर बॉयल करूंगी, तो जले ना इसलिए मैंने ये पानी डाला है। इस खजूर को भी मैं अच्छे से पीस लूंगी ताकि ये स्मूथ पेस्ट बन जाए। जो मैंने हनी लिया हुआ है वो भी मैं ऐड कर दूंगी। और अब मेरे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उन सबको मैं इकट्ठा कर लूंगी, जैसे कि जो सबसे पहले मैंने जो ओट्स लिए थे वो, और ये जो मैंने खजूर का पेस्ट बनाया था वो सब डाल करके थोड़ा सा एकदम धीमी आंच पे इसको मिला लूंगी, ताकि ये चिपके ना और मिलने में प्रॉब्लम ना हो। और इसी में ही ये कोको पाउडर भी ऐड कर दूंगी। अब ये सब कुछ मिल गया है और मैं गैस बंद कर दूंगी, और थोड़ा सा जब इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, जब मैं इसको टच कर पाऊंगी, तो मैं हाथ की हेल्प से इन सबको एक बार और अच्छे से मिक्स करूंगी। कटोरी में पानी लेकर के इसको ऐसे दबा करके सेट करूंगी। आप चाहे तो हाथ गीला करके भी इसको स्प्रेड कर सकते हैं ऐसे। अब ऊपर से मैं ये व्हाइट चॉकलेट चिप, थोड़े से कटे हुए बादाम स्प्रिंकल कर दूंगी। अब मैंने थोड़ा सा हाथ गीला करके ये जो चॉकलेट चिप्स हैं और बादाम हैं उनको अच्छे से प्रेस कर दिया, ताकि ये बाहर ना आए। और अब इसको मैं 2 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये सेट हो जाए। और ये मेरे जो मैंने चॉकलेट बार्स बनाए थे और फ्रिज में रखे थे, इसको 3 घंटे हो गए हैं और अभी ये बिल्कुल सेट हो गया है। अब इसको नाइफ की हेल्प से मैं निकालूंगी, और ये जो नाइफ का जो नीचे ये जो एज है इसको मैं अंदर की तरफ थोड़ा सा पुश करूंगी। इसको अंदर की तरफ नाइफ को ऐसे पुश करेंगे और फिर जब सब चारों साइड से वो अंदर की तरफ हो जाएगा, तब आप इसको उल्टा करके इसको धीरे से ऐसे टैप करेंगे।
आपको नाइफ को जब भी आप इसको कट करेंगे इसको आपको ऐसे नहीं कट करना है, आपको नाइफ लेना है, अगर ब्रेड नाइफ है ऐसा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो नॉर्मल नाइफ से इसको ऐसे रखना है और ऐसे प्रेस करना है, बस ऐसे। ग्रैनुला बार्स के लिए जितने भी मेरे पास ड्राई फ्रूट्स और सीड्स थे उनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है और उनको बारीक काट लिया है। ये वाले जो डिहाइड्रेटेड ड्राई फ्रूट्स आते हैं ये भी यूज कर सकते हैं, जैसे क्रैनबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, तो ये डालने से बच्चों को फ्लेवर अच्छा लगता है और वो खाना पसंद करते हैं। तो आपको इनको ड्राई रोस्ट नहीं करना है सिर्फ, और दूसरी तरफ मैंने रोल्ड ओट्स को भी रोस्ट कर लिया जैसे मैंने पहले किया था, और उसमें से आधे को मैंने दरदरा पीस लिया है बाइंडिंग के लिए और आधे को मैंने ऐसे ही रहने दिया है। फिर ये थोड़ा सा वनीला एसेंस, थोड़ा सा सूखा नारियल कद्दूकस कर लिया है, और ये सिनेमन पाउडर, और यहाँ कढ़ाई में मैंने हनी लिया है, और अब इसको मैं थोड़ा सा गर्म करूंगी, और जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें जितने भी मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं ओट्स और ड्राई फ्रूट्स और कोकोनट उन सबको मैं ऐड कर दूंगी, और उनको थोड़ा सा टॉस करके उनको मैं लड्डू की शेप दूंगी। कम से कम इसकी आधी क्वांटिटी को मैं पीसूंगी क्योंकि ये बाइंडिंग में हेल्प करेगा। इसमें मैं कोई भी घी या बटर यूज नहीं किया है और मीठा भी मैंने बहुत ज्यादा नहीं डाला है, तो इसीलिए इसको बाइंडिंग के लिए इसको पीसना जरूरी है। ये पीसने के बाद ऐसा हो गया है, अब मैं ये इसको कढ़ाई में ऐड कर दूंगी। अब आपको इन दोनों को मिलाना है जो मैंने पीसा है और जो कढ़ाई में पहले से था, और थोड़ा सा जब ये थोड़ा सा जब गुनगुना हो जाए तब आप इसको लड्डू की शेप दे सकते हैं। ये देखिए अभी आप कितना इजीली इनको लड्डू की शेप दे सकते हैं।